Éramos tu. Nandiyanandima Chininandishaha Paramitatipadivindipau Namiyo Shidrishoha Guru Vishih Gopatirui Gopati Nyan Shahikar तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तज निवरहिं अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञानी परलोक देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तारण शाखाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतम लोका लोके प्रकाशिकम् त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं संपूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्दे संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तारण मलाचार्य जी महाराज जी की जय। मंत्र उच्चारण करेंगे अपन एक साथ। ओम सिद्धे नमो नमः। सिद्धे नमो नमः। सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ जिनवाणी सतगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दसार जय श्री तारण तारण श्री आपाचार्य गणराज जी। जहाँ आचार्य प्रभा श्रीमद जिन तारण स्वामी इस संसार से मुक्त होने वाले श्रावक की आत्मगाथा उसके अंतर अनुभव को कह रहा भैया मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। सीधा सीधा अध्यात्म का रास्ता जहाँ अपना कल्प वांछन चला था। गाथा नंबर गाथा क्रमांक 461 461। चलिए अपन मिलाते हैं क्या कहा था समझे। त्रिविध ग्रंथम प्रोक्तम च। ये जो ग्रंथ की तारण स्वामी ने रचना की है या इस ग्रंथ में जो उपदेश दिया है वो तीनों प्रकार के पात्रों के लिए कल्याणकारी है, आत्मा के हित का कारक है और नियम से मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इस तीन प्रकार से के पात्रों के लिए जो यहाँ उपदेश दिया है तारण तारण शाखाचार्य जी में जो धर्म की चर्चा है जो परमात्म स्वभाव की चर्चा भैया वह उसका मूल आधार क्या है। सार्धम ज्ञान मयम ध्रुव कि ये जीव शरीर मन वचन काय आदि के परिणमन से अलग होके अपने आप को स्वीकार करे और सार्धम ज्ञान मयम ध्रुव और आत्म साधना में रति करे। साधना काय की भैया सार्धम ज्ञानमयम धमम अपने ज्ञान में शाश्वत शुद्ध स्वभाव की आराधना करे तो ये जीव मुक्ति का सुख को प्राप्त कर सकता है। यही धर्मम अर्थम काम मोक्षम च। यही धर्म है, यही अर्थ है, यही काम है और यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तो क्या करना है तारण स्वामी कह रहे प्राप्तम परमेष्टि नमः। क्या करना है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की साधना करते हुए प्राप्तम परमेष्ठी नमः
अपने परम इष्ट स्वभाव पंच परमेष्टी पद को प्राप्त करो, और नवा का अर्थ है इसी में, इसी के वेदन में, इसी के अनुभूति में लीन हो। देखो ये पंच परमेष्टी परमात्मा, ये जिनेन्द्र सर्व परमात्मा जिनके पर यह बात कर रहे हैं, इन्होंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर ली हुई है, इन्होंने इस मार्ग को प्राप्त कर लिया है, इसलिए प्राप्तम परमेष्टी, इसलिए अपन भी इस परम ईश्वर पद को प्राप्त करें। ऐसी आनंद में चर्चा, आनंद का ऐसा मार्ग परम इष्ट पद को प्रकट करने का ऐसा मार्ग यहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारो समय दिया है, और प्राप्तम परमेष्टी नमा, और कह रहे हैं भैया ऐसे पंच पदों को प्राप्त करो, परम इष्ट पद को प्राप्त करो, और इसी के अनुभव में रत रहो। तारण स्वामी की बात सीधी सीधी है, लेकिन सीधी बात समझ में आ जाए तो, क्योंकि आज के समय में सीधी बात समझ में नहीं आती। आज के समय में जीव की रुचि विपरीत होने से, जीव का श्रद्धान विपरीत होने से उसे सीधी बात समझ में नहीं आती। उसे कैसी बात समझ में आती है? उसे बाहर की बात समझा दो, बाहर की क्रिया की बात समझा दो, बाहर के प्रपंचों की बात समझा दो, उस जीव को बाहर की बात समझ में आती है, अंतर आत्मा में रमण करने की सीधी बात समझ में नहीं आती। सीधी बात देखो क्या कह रहे तारण स्वामी भैया, कि सावधान, क्या सावधान, अंतिम गाथा। और ये अंतिम गाथा यही समझो, यही समझो, ये अंतिम गाथा ही इस ग्रंथ का तिलक है, क्योंकि तिलक मतलब पूर्णता। अपने जब स्थाप किया था, स्थाप मतलब क्या कहा था भैया, जब भगवान की वाणी को विराजमान किया था तब क्या कहा था, कि ये स्थाप है, अर्थात यहाँ प्रारंभता है, हृदय में श्रद्धान की जागृति है, गुरुदेव की वाणी को अपने हृदय स्थान में स्थान देना है, तो अस्थाप में गुरुदेव की वाणी की स्वीकारता है, और यहाँ तिलक में भैया उस परमात्म पद को जिसके उद्देश्य से ग्रंथ रचा गया, जिस परमात्म स्वभाव की अनुभूति के लक्ष्य से इस ग्रंथ को श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने कहा, अब इस ग्रंथ की पूर्णता है। तो अपन पूर्णता की मतलब तिलक की ओर है, और तिलक क्या है भैया, सावधान, पूरे तारण तरण शैपाचार्य जी ग्रंथ का सार, इस ग्रंथ को रचने का सार। एक गाथा पहले उन्होंने कह दिया कि इस ग्रंथ को रचने का सार क्या है, धर्म की, अर्ध की, काम की, मोक्ष की सिद्धि हो, बस। इसके पहले काली गाथा में कहा ना उन्होंने, ये जीव अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को साध के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करके अपने परम इष्ट पद को प्राप्त कर ले, यही इस ग्रंथ की रचना का सार है भैया। एक गाथा और अंतिम सार, परमानंद आनंद, देखो ये है सार, यह है सार तारण स्वामी के ग्रंथों में, अंतिम गाथा में यह आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद, परमानंद आनंद, काय के आनंद में रहो तुम, तो ये बताओ, ये सार है भगवान जी। यहाँ सल, चिंता, भय, नाना प्रकार के उलझन, पर्याय परिणमन की दृष्टि, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इन सारी बातों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। बहुत सावधानी से लेना तारण स्वामी के अमृत वचन है, तो समझो इस अंतिम गाथा के आशीर्वाद को ले लिया, तो मतलब पूरे ग्रंथ को आपने अनुभव कर लिया। क्योंकि देखो ग्रंथ का मंगलाचरण कितना गजब का था, कितना जोरदार था, क्या था, देव देवम नमस्कार, शुरुआत में कितनी गजब की बात कही थी उन्होंने, मैं देवों के देव को नमस्कार करता हूँ, अर्थात देवों के देव को नमस्कार करता हूँ, मतलब जिस देव का वेदन अरिहंत सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, अरिहंत देव जिस देव का वेदन कर रहे हैं, मैं उस शुद्धात्म देव को, उस गायक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। प्रारंभ कहाँ से करी थी भैया, शुद्धात्म देव की वंदना से, प्रारंभ कहाँ से, कहाँ से किया था, देव देवम नमस्कृतम लोकालोक प्रकाशकम, मैं उस देवों के देव शुद्धात्म देव को नमस्कार करता हूँ, जो क्या है, सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। ये बात शुरुआत में कही थी ना उन्होंने, अब देखो अंत में क्या कह रहा है, अब उस देव को जान लिया ना, उस देव की पहचान हो गई ना, उस देव को अपने में अनुभव का विषय बना लिया ना,
तो आप क्या कह रहे हैं पूर्णता में, परमानंद आनंदम भैया, आनंद काय का ये बता, ये बहुत गजब की बात है। तारण स्वामी ग्रंथों में वो कह रहे हैं, हे जीव आत्मा परमानंद के आनंद में रत रहो। संसार के आनंद की बात नहीं कर रहे, इंद्रिय विशेष सुख की बात नहीं कर रहे, अज्ञान विषयों की बात नहीं कर रहे, मोह और माया की बात नहीं कर रहा है, तो काय की बात कर रहा है, परमानंद आनंद, परमानंद के आनंद में रहने की बात कर रहा है। अपने जीवन में वो परमानंद है या नहीं, बस इतनी सी बात। देखो आत्मा में तो परम आनंद है, आत्मा तो परम आनंद स्वभाव ही है, आत्मा तो निर्विकल्प ज्ञान में ध्रुव चेतना, वो तो परम आनंद का स्रोत है। लेकिन परमानंद आनंदम, उसका आनंद अपने जीवन में है या नहीं, ये बताओ। दिन रात की सल्ले में, दिन रात की चिंता में, दिन रात के विकार परिणाम में और दिन रात की हाय हाय में कहीं उस आत्मा के परम आनंद को, उस आत्मा के परम सुख को भूल तो नहीं गए? तलाश, जब वो कह रहा है परमानंद आनंदम, वो परमानंद का स्रोत आत्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा और कोई थोड़ी ना है, कौन है? तलाश, जब मैं ही हूं तो तलाश काहे के लिए है? तो वो अमन मान पूरी हो जाएगी, अनुभव में आने की तलाश नहीं है। बात यह है वो बात स्वीकारता में बैठ नहीं रही, बस इसकी बात। और परमानंद आनंद, आनंद परमानंद में वो आत्मा तो यही है, वो आनंद परमानंद में वो परम त्रिकालिक स्वभाव तो यही है, लेकिन वो परमानंद स्वभाव ही आत्मा मैं हूं इस बात का विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए अपन अपने आनंद को हिंसानंदी, चोरियानंदी, मिशानंदी, परिग्रहनंदी पर के इंद्रिय विषयों में रोध और ध्यान में आनंद खोज रहे। परमानंद स्वभाव आत्मा तो अपने इस देह देवालय में इसी समय विराजमान है। परमानंद आनंद, काय के आनंद की बात चल रही है कि जो परमानंद स्वभावी आत्मा है जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया उसका जीवन आनंदम। देखो भैया आनंद कब तक नहीं आता, आनंद कब तक नहीं आएगा, अपने को आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति का अनुभव कब तक नहीं होगा, जब तक अपन लौकिक प्रपंचों में, अर्थात अपने को ये दृढ़ता नहीं हो रही। क्या दृढ़ता नहीं हो रही? ये सारा बाहरी जगत का परिणाम, ये सब पुद्गल की पर्याय है, कर्मों का संयोग है और अपने 10 समय की योग्यता से चल रहा है। जब तक इसमें करने धरने का विकल्प है तब तक उलझन है, और जब तक उलझन है तब तक आनंद नहीं। अच्छा आप 2 मिनट के लिए शांत होके देखो, बिल्कुल शांत होके कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ धरता नहीं, मैं कुछ बनाता नहीं, मैं कुछ बिगाड़ता नहीं, जगत का परिणाम स्वयं हो रहा है। और 1 मिनट के लिए तो तुम शांत होके देखो और फिर देखो कि ये परमानंद का आनंद आता है कि नहीं आता। बस वो ही तो कह रहा है, यदि अपन थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा भी यदि अपन अपने चित्त को एकाग्र करते हैं थोड़ा भी, तो अपने को तत्काल उस शांति और उस आनंद का अनुभव होता। तो ऐसी बात नहीं है कि वो परम आनंद या वो आनंद अपने पास नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो परम आनंद और आनंद, हाँ बस वो परम आनंद तो अपने पास इस समय है, लेकिन भगवान जी उस परम आनंद के आनंद भाव को प्रकट करने के लिए वर्तमान में रुचि हमारे पास नहीं। समय है, बस समय तो बहुत है, जीव तो स्वयं समय सार परमात्मा है, समय तो बहुत है, अपने खाते का विशेष का वांछन करे क्यों, इसलिए तो करा था। जीव के पास समय तो बहुत है लेकिन वो समय पर पर्याय में लगाने के लिए, हाँ बस वो मात्र पर पर्याय में लगाने के लिए, पर परिणमन में लगाने के लिए वो अपने अंतर स्वभाव को स्वीकार करने तैयार। और आनंद इस समय है, तारण स्वामी की संपूर्ण गाथाओं का सार, तारण श्यामाचार्य जी की संपूर्ण गाथाओं का सार, परमानंद आनंद, बस
ये तो परमानंद स्वभाव ही है। अब जब परमानंद स्वभाव ही है तो आनंद में रहना यही सच्चा धर्म है बस। और इस धर्म स्वभाव से निर्जरित हो सा कितना सीधा सीधा धर्म है ये। बस आप तो अपने परमानंद में अपने आप में सुखी रहो, आप तो अपने आप में प्रसन्न रहो, इसका नाम धर्म है। और आप अपने आप में प्रसन्न नहीं हो, आपको पर की इच्छा, पर की जायना और पर की कामना में जल रहे हो। जल रहा मतलब आशा तृष्णा इंद्रिय विषय भोग भाव, यदि इनमें अपन जल रहे हैं तो अपना खाते का विशेष का भी तलक है ही। आज अर्घ भूले नर टिड़ी पड़े, अर्घ स्वभाव को अनुभव करने में विकल्प आ रहे हैं, आकुलता हो रही है तो कहना विकलत रहे। दो ही बात है भैया, सीधी सी दो बात। क्या यदि परमानंद स्वभाव का आनंद आपके चित्त में उतर रहा है, आप आनंद से हंसी खुशी प्रसन्नता से अपने मोक्ष मार्ग में आनंद के साथ जी रहे हो, अपने स्वभाव की अनुभूति में आप आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो आनंद परमानंद अपना स्वभाव है। बताता वो परमानंद कहां से लाएंगे अपन, वो जो परमानंद की चर्चा यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी कर रहे हैं, वो परमानंद कहां से लाओगे? परम परम आनंद अपने अंतर आत्मा में उछल रहा है, और ऐसा ज्ञान में समुद्र परम आनंद का समुद्र अपने अंदर छलांग लगा रहा है, लेकिन वो उछलता हुआ समुद्र, वो ज्ञान में आनंद में जो समुद्र उछल रहा है छलांग लगा रहा है, वो अपने को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं पहुंच? अरे अपना ही है, अपने अंदर में ही है, तो फिर पहुंचना किसे है? यदि कहीं देखो दिल्ली यदि बॉम्बे के समुद्र को देखना होता तो टिकट कटवानी पड़ती, ट्रेन में बैठना पड़ता, जाना पड़ता। अंदर की लाइन परिवर्तन करनी पड़ेगी, रुचि की लाइन परिवर्तन करनी पड़ेगी। अरे भव्य आत्मा गाढ़ा प्रसाद करो, तारण स्वामी के ग्रंथ में यदि अंतिम कारिका का आशीर्वाद लेना है तो आज से संकल्प ले लो भैया, व्यर्थ की चिंताओं में अपने आत्मा की प्रसन्नता का नाश नहीं करें। अरे तारण स्वामी ग्रंथ का यदि आशीर्वाद लेना है ना, जीवन में एक एक बात भी इस तारण तरण शाकाचार्य जी से यदि एक बात भी आपको अनुभव प्रमाण ले आना है, अनुभव प्रमाण जो आपके निर्माण में कारक बने, जो आपको परम आत्मा का सुख दे, जो आपको परम आत्मा की शांति दे, यदि आपको इस ग्रंथ से एक बात भी ले जाना है ना, तो एक बात ले जाओ कि भैया व्यर्थ की यहाँ वहाँ की चिंताओं के लिए अपने आत्मा के सुख का नाश नहीं करेंगे, अपनी आत्मा की शांति नष्ट नहीं करेंगे। कितना अच्छा है, कितना आनंद आता है, ये शरीर आदि से भिन्न मैं एक अभेद गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, कितना आनंद आता है इस मात्र स्वीकार करने में, मात्र चिंतन करने में कितना आनंद आता। जब बता दो इस वाक्य को दोहराने में जब इतना आनंद है, तो ये वाक्य जब अनुभव में प्रकट होगा तो कितना आनंद होगा। जब ये अनुभूति में जाग जाएगा ये परम उल्लास परमानंद, तो फिर कितना अद्भुत सुख होगा, कितना अलौकिक सुख होगा, एक ही नहीं परमानंद आनंद है या नहीं? वो परमानंद का आनंद इस समय मेरे हृदय देवालय में आत्मा के परम आनंद का ये भाव अपने अंतर है कि नहीं? भगवान जी पहले तो है ऐसी हुंकार आ जाए फिर आनंद आएगा। पहले तो वह परम वितराग सत्य मेरे अंतर में वो परमानंद है, पहले है कि हुंकार आ जाए उसके बाद आनंद आएगा। और यदि वो है ही नहीं तो आनंद कहां से ला? यदि शीतल ज्ञान का झरना यदि है ही नहीं, शीतल ज्ञान अमृत का झरना है ही नहीं, मतलब बाहर पानी का झरना है ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझाओ? यदि आप रेगिस्तान में जाओ और अपनी प्यास बुझाने की चेष्टा करो तो बुझेगी क्या? जल्दी बताओ हमें प्रश्न का जवाब दो। यदि आप रेगिस्तान में जाओ जहाँ सूखा पड़ा है, चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई है, पानी का अंश भी नहीं है,
ऐसे रेगिस्तान में जाओ और प्यास बुझाने की कोशिश करो, बुझेगी क्या? बल्कि माँ की रेगिस्तान की तपन से, माँ की गर्मी से प्यास अनंत गुना होती जाएगी, लेकिन बुझने वाली ये बात पक्की कि नहीं है कि रेगिस्तान में कभी प्यास बुझने वाली? ऐसे ही भैया इन इंद्रिय विषयों में, ये बाहर का रेगिस्तान जहाँ सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, यहाँ आप कितना ही उपयोग लगाओ आत्मा में आनंद की तृप्ति होने वाली, परमानंद के आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है, क्योंकि बाहर के इंद्रिय विषय ये रेगिस्तान मरुस्थल है, यहाँ प्यास बुझाने की कोई बात है ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए? जहां शीतल जल का झरना हो, अरे रेगिस्तान में भी यदि शीतल जल का झरना मिल जाए तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? अरे संसार में भटकते हुए भी यदि आपको ये स्वीकारता में आ जाए कि वो परमानंद परमात्मा मेरा ही स्वभाव है, पहले वो मिल जाए आपको, वो आपको स्वीकारता में आ जाए कि वो परमानंद स्रोत और कहीं नहीं है, जब झरने के पास जाओगे तभी प्यास बुझेगी। पहले तो ये पक्का कर लो कि है या नहीं। अरे उसके पास जाओगे तभी तो पियोगे। हाँ ठीक है, पास जाओगे तो कम से कम शीतल तक अनुभव तो होने लगेगा, रेगिस्तान की गर्मी तो शांत हो जाएगी, कसाई की मंदता तो हो जाएगी कम से कम। यहाँ कसाय मंद होगी, शीतल तक अनुभव होगा, तो फिर भैया स्वयं पानी पीने का भाव तो आए। पहले पक्का तो कर लो कि वो परमानंद स्रोत है भी कि नहीं है। अपन जब कह रहे हैं देखो भैया सही है कि आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है? अक्षर क्या है? जल में रहते हुए भी मछली को प्यास, मछली को प्यास, पानी में रहने वाली मछली को प्यास है। क्यों प्यास है भैया? क्योंकि सिद्धांत है जब तक मच्छी उल्टी नहीं हो गई तब तक पानी नहीं पिएगी, और मछली को यह भय है और यदि मैं उल्टी हुई और डूब गई तो, जबकि उसे ये पता ही नहीं है कि मैं तैरने में इतनी निपुण हूँ उल्टे और सीधे होने से कोई दिक्कत है। मछली उल्टी भी तैर सकती है और सीधी भी तैर सकती है, लेकिन उसको भय है। क्या भय है? और यदि मैं उल्टी हुई और डूब गई तो, ऐसे ही ये जीव है भैया। यदि मैंने तत्व को स्वीकार कर लिया, यदि मैंने भेद ज्ञान कर लिया तो ये इंद्रिय विषय छूट गए तो, ये सुख छूट गया तो, यदि कुछ और हो गया तो, ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान आत्मा अब गायक तत्व का अनुभव कर लेने से या तत्व को स्वीकार कर लेने से मिथ्या मानता छुट्टी है, परिणमन में कोई अंतर आने वाला वर्तमान में नहीं। मिथ्या व्यवहार छूटता है, सम्यक व्यवहार होता है। बस जीप ये बात भय लग रहा है, यदि मैं उल्टा हो गया, यदि मैंने तत्व को स्वीकार कर लिया तो मेरा संसार का सुख भी छूट जाएगा, और आत्मा का सुख मिला या नहीं मिला क्या पता? आत्मा में आनंद मिला या नहीं मिला क्या पता? है कि नहीं है क्या पता? वो तो भगवंतों ने कह दिया, लेकिन पक्का थोड़ी ना है, है कि नहीं है? देखो अच्छा यही तारण समय कह रहे, देखो परमानंद आनंदम जिनुक्तम शाश्वतम पदम जिनुक्तम। अरे आत्मा आनंद परमानंद में ही है, हे भव्य आनंद में रहे जिनुक्तम, जिनेन परमात्मा ने कहा है शाश्वतम पदम, ये परमानंद ही तेरा शाश्वत पद है। अर्थात ये ध्रुव धाम आत्मा, ये परमानंद स्वभावी आत्मा, यही तेरा शाश्वत ध्रुव धाम है। अपने आनंद में रहे, इसी का नाम तो धर्म। और यदि इस आनंद में नहीं रह रहा है, इस शाश्वत पद को जान के भी आनंद का झरना प्रकट नहीं हो रहा, तो फिर है क्या? फिर तो कसा है, फिर तो छल कपट है, फिर तो मायाचारी है, और दिन रात अपने अज्ञान परिणामों में अपनी आत्मा का पतन है, फिर है क्या बताओ? अच्छा यदि ऐसे सर्वज्ञ के वचन सुनने के बाद
कि तू आनंद स्वरूप है, ऐसा सुनने के बाद यदि मुझे आनंद नहीं आ रहा, अरे मैं परमानंद में हूं, यदि ऐसी प्रसन्नता अपने को नहीं हो रही तो फिर क्या है? कुछ नहीं। अरे भगवान की वाणी ये प्रमाण करने के लिए तो है। क्या प्रमाण करने के लिए है? अपने अनंत काल से अपनी गलत फहमी। क्या गलत फहमी है? इंद्रिय विषय भोगों में सुख है। अब यही प्रमाण करने के लिए है कि परमात्मा कह रहे हैं कि आनंद तो, परम आनंद तो तेरी आत्मा में है। जिनुक्तम, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है, शाश्वतम पदम। भैया क्या कर, अपने परमानंद में, शाश्वत पद के आनंद में लीन रहे, सर्वक देख के रहे। तो अपन सल लगा दो भैया, भैया अभी हम घर में फंसे हैं, अभी हम गृहस्थी में फंसे हैं, अभी हमें घर की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने पहले के पूर्व की गाथा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये तो स्वभाव की साधना से घटेंगे चारों। ज्ञान में स्वभाव की साधना करोगे तो धर्म तो अर्थ तो काम और तो मोक्ष, नहीं तो ना धर्म है ना अर्थ है ना काम है ना मोक्ष। भैया संसार के अर्थ को अर्थ मान रहे हो, यही तो मूर्ता। सोना चांदी रुपए पैसों का अर्थ मान रहे हो, यही तो मूर्ता। पांच इंद्र के भोगों काम मान रहे हो, यही तो मूर्ता। बाहर में मंदिर आने को धर्म मान रहा है, इसी के नाम तो मूर्ता। और इन्हीं से मोक्ष हो जाएगा, यही तो तत्वों का विपरीत सिद्धांत है। और इन इस तत्व के विपरीत सिद्धांत से ही तो 84 लाख योनि का परिभ्रमण चल रहा। करना क्या है? प्राप्तम परमेष्टि नमः, अपने परम इष्ट स्वभाव को अंतर अनुभव में प्राप्त करना है। तो अर्थ क्या है? रत्नात्रेय स्वभाव परमानंद अर्थ है। परमानंद में अपना शाश्वत पद अर्थ है और इसी का उपभोग काम है, और इसी से, इसी धर्म स्वभाव में रति होने से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अपन कौन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की साधना कर रहे हैं? संसार वाले या आत्मा वाले? ये दो काम एक साथ नहीं होंगे। साधना तो एक ही धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की एक ही की साधना होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की एक ही साधना होगी, एक ही साधना होगी, दो की नहीं होगी। तो कौन से वाले की कर रहे हो? साधना एक परिणमन संसार का चल सकता है, परिणमन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आपकी रुचि कौन से वाले की है इसकी बात, क्योंकि रुचि अनुगामी पुरुष। सही वाले के साथ वो तो कर्मोदय है, वो तो परिणमन है। जो लौकिक अर्थ है वो आपके पुण्य के वजह से आता है। लौकिक काम आदि की जो पूर्ति हो रही है, पंच इंद्रिय के विषय भोग, वो भी पुण्योदय से मिलते हैं। कर्मोदय जन संयोग है, साता असाता के सारे वेदन कर्मोदय जन है भैया। और लौकिक धर्म भैया, समाज के संप्रदाय को चलाने के लिए मंदिर रोज आ ही रहे हैं अपन, समाज की बात कर ही रहे हैं। और मोक्ष तो भैया इन सबसे होता ही नहीं, तो वहां तो मुक्ति का कोई मार्ग है कहां से है? परमानंद आनंद। हुंदकार चाहिए भगवान आत्मा, अंतिम गाता है परमानंद आनंदम, कि ये परमानंद मैं आनंद स्वरूप, ये मेरा ही शाश्वत स्वभाव है। किसने कहा है? जिनुक्तम शाश्वतम पदम, जिनेन्द्र देव ने कहा है कि ये ही तेरा शाश्वत पद है, इसे स्वीकार तो कर। देखो भाई तारण स्वामी क्यों कहा आपने, एको देश उपदेशम चा, एक उद्देश्य की सिद्धि करने के। ये इतना सारा 462 गाथाओं में आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, क्यों लिख दिया तारण स्वामी? आपने 462 गाथाएं लिख डाली इस तारण शाकाचार ग्रंथ में, क्यों लिख दी? एको उद्देश्य, एक उद्देश्य के लिए। क्या है वो उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? जिन तारण मुक्ति पंत स्वतः। अरे क्या जिन तारण स्वामी ये मोक्ष का मार्ग इस क्या बोलते हैं तारण शापाचार्य में लिख रहा है, श्रुत में जो जिनवाणी में जो तारण तरण स्वभाव को मुक्ति के मार्ग को प्रकट करने की विधि है उसे बताने के लिए पूरा ग्रंथ लिख दिया। ये ग्रंथ क्यों लिख दिया? कि अपने अंतर का तारण तरण प्रकट हो जाए। तारण स्वामी तो ने तो लिख दिया एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, वो नहीं, एक उद्देश्य, उपदेश देखा ना, उपदेश, एक ही उद्देश्य उपदेश देने का, एक ही उद्देश्य इस पूरे ग्रंथ को रचने का,
और वो है परमानंद आनंद। एक ही उद्देश्य है कि शाश्वतम पदम, एक ही उद्देश्य है कि तारण स्वामी ईश्वर में ज्ञान गंगा का मोक्ष मार्ग का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य है इसका, क्या कि प्रत्येक प्राणी अपने अंतर में उस तारण तरण स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर ले। इस उद्देश्य से पूरा ग्रंथ लिख दिया तारण स्वामी। आप बताओ भैया, उन्होंने तो इस एक उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना कर दी, लेकिन अपना एक लक्ष्य बना कि नहीं बना? या अभी भी संसार में अन्य प्रयोजन बाकी है भैया, भाई मोड़ा की शादी करनी है कि ना, होगी या करनी है, दुकान चलानी है, चलानी है या चलेगी, चौके में रोटी बनानी है, बनेगी या बनाओगे, इतना ही बार निर्णय करते जाना है दिन रात। खेल वाले दिन रात चिंताओं में रत रहने से सारे संसार काम होंगे या फिर अपनी तत्समय की योग्यता से होंगे? भगवान जी इतनी बातें अभी यहां बोली ना, इतनी बातें स्वीकार हो जाए तो आनंद परमानंद खत्म। वो पूरी कर्तव्य बुद्धि फंसाने के बाद जब दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, तब देखो भैया, इसलिए जब तक आध्यात्मिक रुचि नहीं जगेगी, अंतर आत्मा की रुचि नहीं जगेगी, तब तक इस बात को पल पल निर्णय में नहीं लोगे। और जब तक पल पल हर एक कदम पे इस सत्य का निर्णय नहीं करोगे, इस तत्व का निर्णय नहीं करोगे, तो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ परमानंद स्रोत तो है, लेकिन वो तुम्हें आनंद रूप व्यक्त नहीं होगा बस ये तो। लेकिन जब तक ये चिंतन जो अभी कर रहा है अपन यहाँ बैठ के तत्व चर्चा के समय, ये चिंतन अपन दिन भर नहीं करें। क्या चिंतन ना करें भैया, कि दुकान का प्रणमन होगा करूंगा नहीं, चौके का प्रणमन होगा करूंगा नहीं, मेरी चिंता करने से पुत्र परिवार का हित या किसी दूसरे का हित नहीं होगा, फिर जिसका जो होना है वही होगा। ये चिंतन यदि दिन भर चले तो आपके आनंद की धारा को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। क्यों नहीं है कोई नुकसान पहुंचाने वाला? क्योंकि आपका उपयोग बाहर की कर्तव्य की धारा में नहीं उलझेगा, तो ऑटोमेटिक आत्म शांति का आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि पर से भिन्न हो जाए, पर में कर्तव्य का मान जो अभिमान है ना कि मैं ही करता हूं, मेरे से ही सारा प्रणमन होता है, ये अभिमान गिर जाएगा, और जहां अभिमान गिर जाएगा वहां अपना परम इष्ट पद उत्पन्न। आज अपना अभिमान नहीं टूट रहा, इंद्रिय विषयों का अभिमान, भैया मन का तो इतना ही काम है ना, मन रंजन गारब, मन क्या करता है, इंद्रिय विषयों का गारब करता है, और मन इंद्रिय विषयों को छोड़ना नहीं चाहता। आत्मा को स्वीकार न करने का कारण क्या? मन अपने इंद्रिय विषयों को, अपने अभिमान को, अपने गौरव को तोड़ना नहीं चाहता। जब तक ये मन गौरव नहीं तोड़ना चाहेगा, अर्थात जब तक ये मन का गौरव अपन नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये आत्मा की बात चिंतन में नहीं आएगी। मन गौरव करता है, अरे मेरी सुई है इसका भी अहंकार है, लेकिन मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वाभिमान नहीं है। दो पैसे की सुई का अहंकार है, लेकिन अपने भीतराग तत्व का अनंत चतुष्टय में आत्मा का स्वाभिमान। जल्दी निर्णय करो फटाफट, एक ग्रंथ का और तलब करना जल्दी से, तारण तरण शाक्याचार्य जी पूरा। क्या अपने को इस बात का अभिमान है? क्या अभिमान है? ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये सुई मेरी, लेकिन इस बात का स्वाभिमान नहीं है। एको उद्देश्य, परमात्मा ने जो एक उद्देश्य कहा है, क्या मैं तो परमानंद स्वरूपी आत्मा ही हूं, उस परम स्रोत आनंद के स्रोत के अलावा मेरा और दूसरा कुछ है, इस बात का स्वाभिमान है? नहीं तो तारण स्वामी की गाथा का आशीर्वाद नहीं मिलना, क्योंकि तारण तरण शाबका जी का आशीर्वाद उनके भाग में गया, क्योंकि तिलक है, पूर्णता है,
जिसने कम से कम ज्ञान और चारित्र को प्रकट ना कर पाया हो वर्तमान में, लेकिन जिसने पूरी श्रद्धा भक्ति से इस परमात्म पद को, जो एक उद्देश्य तारण स्वामी का इस ग्रंथ की रचना का था, उस परमात्म स्वभाव को जिसने स्वीकार कर लिया हो, क्या भैया कि वो शाश्वत अविनाशी पद, वो परमानंद मेरे अंतर में है, जिसने स्वीकार कर लिया वो निर्दोष उसके आनंद को भोग रहा है। कसाया में मंदता तो आनी निश्चित ही है, लेकिन जिसने दृढ़ता से स्वीकार किया है वो अपने उस आनंद को अनुभव कर रहा है। तो संसारी जीवों की, बाहर के संसारी जीवों की दशा देख रहा है कि संसारी जीव कैसे हाय हाय करके, कैसी आकुलता में, कैसे लड़ झगड़ के जी रहे हैं। तो देखो इस परम सत्य को स्वीकार करने से मेरे जीवन में कितनी समता है और कितनी शांति, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे किसी की सल नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति विकार भाव नहीं है। ये वस्तु स्वभाव स्वीकार करने से मेरे जीवन में कितना आनंद बढ़ गया है। और जब इस स्वभाव को स्वीकार करने मात्र से, एक बार स्वीकार करने मात्र से जब इतना आनंद बढ़ गया है, तो निरंतर इस वस्तु स्वभाव को मथेंगे, बार बार इसका चिंतन करेंगे, तो कितना अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय आनंद कितना बढ़ता जाएगा, उत्तोत्तर पात्रता कितनी बढ़ती जाएगी। या 5 मिनट इसकी चर्चा करने से, या 1 घंटे इसकी चर्चा करने से यहाँ आके अंतर शांति का अनुभव होता है, तो जब निरंतर इसका चिंतन अपने अंतर में करेंगे तो कितनी परम शांति मिलेगी, कितना परम सुख मिले। जब 10 मिनट सुनने से, 15 मिनट सुनने से, आधे घंटे सुनने से जब ऐसे सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो उसमें परमानेंट स्वीकारता करके बार बार भेद विज्ञान करने से कितना आनंद और कितना सुख नहीं मिलेगा, ये बताओ। है विश्वास? जिन उत्तम, किसके वचनों पे? जिन उत्तम, जिन उत्तम, यदि विश्वास हो कि जिन भगवान ने कहा है शाश्वतम पदम, कि तू ये लौकिक पदों का स्वामी नहीं, स्त्री पुरुष पर्याय मान अपमान के जो पद है इनका स्वामी नहीं, तो कौन सा पद है तेरा? शाश्वत परमानंद में, आनंद में तेरा पद है। और एक उद्देश्य उपदेशम चा, तारण स्वामी ने ये पूरा तारण तारण साहब का चार एक उद्देश्य के लिए कहा है, और वो उद्देश्य है ये जीव अपने मोक्ष मार्ग को ग्रहण करे, अर्थात अपने परमात्म स्वभाव को स्वीकार कर ले। कैसे? श्रुति के माध्यम से। इस श्रुति की रचना, ये जिनवाणी का उद्देश्य, ये तारण तारण साहब का चार का उद्देश्य सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये भव्य आत्मा अपने जिन तारण तारण स्वभाव को पहचाने और मुक्ति में गमन करे। बस इतना सा एक लक्ष्य। भैया तारण स्वामी के उद्देश्य की पूर्ति करना है कि नहीं करना? व्यवहार की बात है, उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली, लेकिन उन्होंने जिस करुणा से इस ग्रंथ को लिखा कि प्रत्येक प्राणी मात्र भव्य आत्मा ये उपदेश को प्राप्त करके संसार रूपी मोह का पर्दा फाश करके, अर्थात संसार के मोह को त्याग के एक अपने अंतर आत्मा का उद्देश्य बना ले। तारण स्वामी ने जिस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना करी, क्या उनके उद्देश्य, क्योंकि उनका यही तो उद्देश्य था कि प्राणी मात्र अपने कल्याण का मार्ग स्वीकार कर, तो उनके इस उद्देश्य की पूर्ति करी कि नहीं करनी? रागी भगवंतों की करुणा, जिस करुणा भाव से उन्होंने लिखा है, उनकी करुणा को हृदय से स्वीकार करोगे कि उपेक्षा कर दोगे? उन्होंने जिस लक्ष्य से, जिस अभिप्राय से, जिस करुणा की भावना से आपको ये अमृत परोसा है, ये अतीन्द्रिय आनंद का अमृत, ये अपने कल्याण की जो बात तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में निचोड़ रूप में दी है, उनके इस जो अंतर करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, उनके अंतर में जो समर्पणता का भाव उत्पन्न हुआ, अपने स्वभाव के लिए समर्पित हुए, लेकिन देखो तो जो उनका राग भाव था वो करुणा के रूप में भव जीवों के लिए ये ग्रंथ की रचना रूप प्रकट हो गया कि नहीं हुआ? यदि उनके अंदर भव जीवों के लिए करुणा नहीं आती तो उनका काम तो बन चुका था, उन्होंने साधु पद को धारण कर लिया था, वो तो अपना कल्याण करके मुक्ति की ओर चले। लेकिन आचार्य भगवंतों की ओर तारण तारण खेलते क्यों है? क्योंकि वो तो तिरते ही हैं, वो तो जन्म मरण की बाधा से मुक्त होते ही हैं, लेकिन तरण जगत के भव जीवों को तिरने का मार दे जाते। तारण स्वामी का एक उद्देश्य था भैया,
एक उपदेश था, एक उद्देश्य पूर्वक था। क्या क्या उद्देश्य था? ये भव्य आत्मा इस तत्व को जान के अपने कल्याण का मार्ग, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाए। इसलिए शुद्ध ज्ञान की गंगा में तारण तरण शाकाचार्य जी आनंद परमानंद की सिद्धि के लिए, अपने शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए तारण स्वामी ने लिखा। अब जो उनका उद्देश्य था, जो उनका अभिप्राय था इस ग्रंथ को रचने के लिए, हम गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं, हम अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं, तो यदि शिष्य वो कहलाता है जो अपने गुरु की भावना को पूरा, जो अपने गुरु के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लेता है, जो अपने गुरु की भावना को अपनी भावना बना लेता है, जिस जो अपने गुरु की भावना को अपनी भावना बना ले, वो शिष्य कहलाता है। तारण स्वामी की भावना क्या है? आनंद परमानंद में शाश्वत पद को प्रकट करना। अब उनकी भावना अपनी भावना है कि नहीं? मेरे आनंद परमानंद स्वभाव की जय हो। यदि उनकी भावना अपनी भावना है तो अपनी मुक्ति का काम मार बन जाए, और यदि उनकी भावना अपनी भावना नहीं है तो इस चार गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण करते आनंद काल। हमें तो इतना यदि तारण तरण शाकाचार्य जी का आशीर्वाद लेना है, अंतिम गाथा में गुरुदेव जो कह रहे हैं उस अंतिम अमृत को पीना है, तो इतनी बात है कि उनकी भावना और मेरी भावना एक है कि नहीं? तारण स्वामी आपकी भावना अलग है, आप अपना कल्याण करो, मैं तो संसार का पोषण करूंगा, ऐसे गुरु चेला नहीं होते। बात तो सत्य तो यही है भैया, गुरु और चेला कैसे कहा हो गया? बस जो जो रास्ता गुरु ने दिखाया उस रास्ते पे चेला चले तो गुरु चेला, और गुरु कहे दिन और चेला कहे रात तो वो गुरु चेला हो सकते हैं? वो जोड़ी नहीं जमेगी। मंदिर विधि में जो आशीर्वाद दिए उसका भाव यही है, वो बस यही तारण स्वामी का पूरा एक एक उद्देश्य कह के उन्होंने पूरी बात खत्म कर दी। एक उद्देश्य, एक उद्देश्य, मेरा एक उद्देश्य है बस, क्या है? शाश्वतम पदम, प्रत्येक प्राणी अपने अंतर में जो अपना शाश्वत पद है उस शाश्वत पद को स्वानुभूति में जागरण कर ले, अपने लक्ष्य में प्राप्त कर ले। क्या प्राप्त कर ले? ये ज्ञानानंद वितराग तत्व ही अपना आनंद है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं। एक उद्देश्य को प्राप्त कर ले, यही तारण स्वामी की अंतर भावना, अपने को स्वीकार की नहीं। देखो दूसरे ग्रंथ के तलक पे चल रहे हैं तत्काल, इसके बाद हाँ कि ना का? चलिए एक गाथा शुरू की और एक गाथा लास्ट की, याद है अपने को? दो गाथा शुरू की, दो गाथा लास्ट की। चलिए देवि देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोकं भुवनार्थं ज्योति ओमकारं च विद्महे ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भाविपूर्णितं संपूर्णं स्वयमेवं रूपातीत विदेशयुतं। अंतिम दो त्रिविधे ग्रंथं प्रोक्तं च सार्धं ज्ञानमयं द्वयम् धर्मार्थं काम मोक्षं च प्राप्तं परमेष्टि नमः। परमानन्दे आनन्दं जिनयुक्तं शाश्वतं पदं एको देशे उपदेशं च जिन कारण मुक्ति पतं शतं। इति श्री श्राविकाचार नामे ग्रंथे आचार श्री मद जिन कारण तरण
चेतम सामे होते पांडिता। और ये आचार्य भगवान शंकरवा शंते तारण तरण लाचारी महाराज की जय हो। इस ग्रंथ का आतांत शंकराचार्य जी का आनंद सभी जूम आईडी वाले भव्य जीवन ने लिया भैया, आप सभी के समक्ष ही ये समापन हुआ है, तो आप लोग इसका आनंद लें। अभी मंदिर विधि बाद में होगी, एक ग्रंथ का अपना तिलक और खाते का विशेष। खाते का विशेष जी का प्रथम मंगलाचरण ओम नमः सिद्धा। तानंद स्वामी ने प्रारंभ ही कहा करा, कैसे प्रारंभ किया भैया कि ये आत्मा अपने ओम ओम ओमकार को यदि आप अध्यात्म से लोगे तो पंच परमेश्वर नहीं दिखाई देंगे, यदि ओमकार को व्यवहार से लोगे तो भैया क्या दिखाई देंगे, पंच परमेश्वर। लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक परमार्थ का सिद्धि करने वाला, परमार्थ को स्वीकार करने वाला यदि कोई भव्य जीव यदि ओमकार को लेगा तो ओमकार में निःशुद्धात्म सत्ता ही अपना ओमकार स्वभाव है। तो तारण समय क्या कह रहे हैं, ओम नमः, मैं ऐसे शाश्वत शुद्ध स्वभाव के अनुभव से अपने सिद्ध स्वभाव की सिद्धि का मार्ग बताता हूँ। एक ओम नमः सिद्धम का एक अर्थ है भैया क्या, अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन और शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति। इस उद्देश्य से एक खाते का विशेष ग्रंथराज लिखा गया है, अर्थात इस संसार से के गड्ढे से छूटने की बात है। तो क्या कह रहे तारण स्वामी, जीव तो तत्व है लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण ये जीव तत्व क्या हो रहा है, पंचमय पंच तत्वों में हो रहा है। कौन कौन से, थिरी जरु मरु पवन प्रकाश। अरे ये पंच तत्व का जो शरीर है, पृथ्वी जल भैया अग्नि पवन और आकाश, इन पंच तत्व में अज्ञान के कारण हो रहा है। लेकिन यदि ये जीव इन पांच तत्वों को इनमें ही विलीन करता हुआ देख ले कि अग्नि अग्नि में चली गई, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई, आकाश आकाश में चला गया, पवन पवन में चला गया, तो भैया ये जीव मात्र एक सिद्ध स्वरूप ही है। इस ग्रंथ का लक्ष्य यही है, तीन सूत्र लेंगे शुरू के बाद सपन, एका एकु एकु, इस एका एकु एकु, इस ग्रंथ का एक ही अभिप्राय है भैया, जीव भी एक है, जीव सत्ता भी एक है, संसार भी एक है। और यदि जीव अपनी मिथ्यात की मानता को मूर्ता को छोड़ दे तो एक मुक्ति भी एक है। इतनी सी बात, ओम नमः सिद्धम की सिद्धि करने के लिए, अपने निज अंतर का कल्याण करने के लिए भैया मार्ग मार्ग भी मोक्ष का एक है, कल्याण करने के लिए अनुभूति का रास्ता भी एक है, अपने स्वभाव को स्वीकार करना। और यदि ये जीव अज्ञान मानता में रहे तो संसार में भटकने वाला वो जीव भी एक ही है। लेकिन भैया ये संसार में इन पंच तत्वों में, पंच तत्व के शरीर में जब तक एकत करता रहेगा तब तक छह काल में परिभ्रमण करता हुआ इस चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। कल्याण करना है कि नहीं करना ये बता दो, करना है तो अंतिम सूत्र एक ही है भैया, क्या कह रहे हैं स्वामी, दुख्यान मिली सुखेन उत्पन्न, तुम्हें इन सारे संसार के दुखों से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय भैया, कि ये उत्पन्न परम आनंद सह गमन सिद्धि संपत्त, क्या है कि अपने अंतर में जो परम आनंद में स्वभाव है उसे प्रकट करो। यही तरण तरण शंकराचार्य में कह के आए, आनंदम परमानंद आनंदम कह के आए, और फिर वही बात कह रहे हैं, क्या सुख को उत्पन्न करना है तो अंतर में प्रकट करो कि सह गमन सिद्धि संपत्त, जब अपने सहनसा अर्थात साधु पद में आचरण करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की संभवता प्रकट हो जाएगी। देखो भैया संसार एक गड्ढा है और इस गड्ढे में ये जीव अनंत काल से जन्म मरण खाणो देखो गड्ढे को देखता है, लेकिन जिन्हें परमात्मा कह रहा है छायक दर्शन में 9 लब्धियों में 13 स्वभाव है इसको नहीं देखता, अर्थ स्वभाव को देखने में विकल होता है तो विकला तेरे पर्याय में जन्म लेता है। पर भगवान कहते हैं तो सिद्ध है मुक्त है तीन लोक का नाथ है, इस बात को देखता नहीं है तो संसार में परिभ्रमण करता, गड्ढे की ओर देखता है तो दुखी दुख दिखाई देते हैं, संकल्प विकल्प भी संकल्प विकल्प दिखाई देते हैं,
नाना प्रकार के भय दिखाई देते हैं, नौ प्रकार के भय से भयभीत रहता है। और भगवान कहते हैं कि इस संसार से इस आत्मा कोई संबंध नहीं है। यदि परमात्मा की वाणी के अनुसार देखता है, परमात्मा की वाणी के अनुसार अनुभव करता है तो क्या दिखाई देता है भैया, सभी भयों से रहित अपना उत्पन्न सह गमन पर प्रवेश, अपना वीतराग स्वभाव अंतर चतुष्टय दिखाई देता, इसमें ही प्रवेश करता है। भगवान आत्मा क्या करना है देख लो, मान जाओ प्रयोग उत्पन्न सह गमन मन विलय। अरे जब अपना उपयोग अपने स्वपद में रमण करने में लगेगा तब ये मन का विकार बिलाएगा भाई, और जब तक अपना उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने में नहीं लगेगा तब तक इस मन के भय का नाश होने वाला, ना जन्म मरण के भय से मुक्त हो पाओगे, ना रोग शोक के भय से मुक्त हो पाओगे, ना परिवार की चिंता से छूट पाओगे। क्यों क्यों नहीं छूट पाओगे, क्यों नहीं छूट पाओगे? क्योंकि भगवान जी जब तक इन्हें अपना मानते रहोगे तब तक भय अंतर में बना है। जब तक इन पर पर्यायों में इन विकार भाव में अपनत्व का भाव बना रहेगा तब तक तुम्हें भय से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। भय छूटने का एक स्थान है वो है अपना अभय स्वभाव। अभय स्वभाव अपनी अंतर आत्मा के बिना, अभय स्वभाव को अंगीकार किए बिना इस संसार के भय का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, इस समय समस्त भयों को त्याग करके एक बार तो परमात्मा के वचनों को हृदय से स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार करना है? हाँ बस इतना ही स्वीकार कर लो कि मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, जगत के चलने वाले परिणमन से मेरा एक समय का भी संबंध नहीं है। अनंत काल का तो छोड़ो, अनंत काल का संबंध तो छोड़ो, जगत के चलने वाले परिणमन से मेरा एक समय का संबंध भी नहीं है। क्योंकि जगत का परिणमन उद्गल कर्म के उदय से होता है और मैं आत्मा चेतन ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूँ, इसलिए जगत के परिणमन से मेरा कोई संबंध। हाँ कि ना, पक्का कि कच्चा? अंतिम बात आए तिलक है, दो दो साधुओं की दीक्षा हो रही है, अंतिम दो सूत्रों में साधु दीक्षा हो रही है भैया। उसके पहले तारण स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं, उत्पन्न सुख गमन, क्या करो अपने सुख स्वभाव को गम लो, उत्पन्न सुख गम, अपने सुख स्वभाव को गम लो, मुक्ति सिद्धि संपत्तु। तो क्या होगा? सिद्धि और मुक्ति की संपदा प्रकट हो जाए। अपने अतीन्द्रिय सुख स्वभाव को गम लोगे, अपने वीतराग भाव को गम लोगे तो क्या होगा? शाश्वत सिद्धि और मुक्ति की संपदा मिल जाए। तो जीवात्मा यदि अपने परम सुख स्वभाव को नहीं गमोगे, अपने अतीन्द्रिय आत्मा में नहीं ठहरोगे तो अर्क भूले नर्क ठिड़ी पड़े। अपने खिपक छायक स्वभाव की जय को भूलोगे, अजय पराजय को स्वीकार करोगे तो क्या हो जाओगे भैया? जय को नाश करोगे और पराजय को स्वीकार करोगे तो क्या होगा? यक्ष, यक्ष हो जाओगे, यक्ष हो जाओगे, यक्ष। अपनी आत्मा की जय जयकार में परिणति को छोड़ के हाहाकार की परिणति में लगोगे तो भूत पिशाच हो जाओगे। भगवान के वचनों को नहीं पहचानोगे तो पिशाच हो जाओगे, पिशाच। यही कह रहा है तारण स्वामी इस ग्रंथ, जिन्होंने सुना उन्हें पता है। कल पूरे ग्रंथ का वाचन हुआ था एक घंटे में रात्रि में, जिन्होंने पूरे दिन नहीं सुना आखिरी दिन सुना उन्हें भी पता है। लेकिन भगवान आत्मा कल्याण करना है कि नहीं बोल मत आओ, कल्याण करना है कि नहीं करना? तारण स्वामी की अमृत वाणी को ग्रहण करना है कि नहीं करना? फिर कैसे होगा मुक्ति? ध्रुव सहाय उत्पन्न मिलन। अब दो साधु दीक्षा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं सुनो, वीतरागता को क्यों अंगीकार किया जाता है? ध्रुव सहाय उत्पन्न मिलन, अरे इस साधु पद को क्यों धारण करते हैं? अपने सहाय स्वभाव से मिलन करने, अपने शाश्वत पद से मिलन करने के लिए साधु दीक्षा ली जाती है। अन्यार वृत्ति साधु वृत्ति प्रकट होती है। स्वभाव प्रवेश कब होती है? जब ये जीव स्वभाव में प्रवेश। अब यहाँ दो नाम आ रहे हैं, मिलन चयनंद कुमार सिद्धि संपत्तम। क्या कह रहा है? चयनंद नाम के जो गुरु महाराज के शिष्य है उन चयनंद कुमार ने अपने आत्मा से मिलन करने के लिए और सिद्धि की संपदा को प्राप्त करने के लिए साधु पद को ग्रहण किया। दीक्षा हो रही है कार्तिक विशेष के वांछन में। अंतिम विलस कुमार कुवारु सिद्धि संपत्तम। विलस कुमार जो है भैया
आत्मा से मिलन करने के लिए, सिद्धि की संपदा को प्राप्त करने के लिए साधु पद की दीक्षा ले रहे हैं। चलिए अष्टाविचारक करते हैं अपन। प्रथम के दो सूत्र और अंतिम के तीन सूत्र पढ़ के, शुरू के तीन सूत्र और अंतिम के सूत्र तीन सूत्र पढ़ के इस ग्रंथ का तिलक करते हैं। ओम नमः शिवाय। जीव तो तत्तु पंचमय खिरी जरु मरु पवन आकाश एका एकु एक। इस प्रकार प्रारंभिक के सूत्र है और अंतिम सूत्र उत्पन्न सुहुगम मुक्ति सिद्धि संपत्त ध्रुव साह उत्पन्न मिलन अन्यारति स्वभाव प्रवेश मिलन चयनंद कुमारु सिद्धि संपत्त विलस कुमारु सिद्धि संपत्त इति श्री खातिका विशेष नाम ग्रंथ जी आचार्य श्री मद जी तारण तरण विरचिता समय एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः सिद्धं ॐ ह्यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ ह्यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं शीत शीतं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ ह्यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं शीतशीतं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं वन्दे श्रीगुरुताणं वन्दे श्रीगुरुताणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सभ्य साहुणं ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति।
शांति शांति बोलिए आचार्य प्रभा शत्रु शांति तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। तारण तरण शंकराचार्य ग्रंथादिराज की जय। चिन्ही खातिका विशेष ग्रंथादिराज की जय। चलिए भाई मंदिर विधि के साथ अपन पूर्ण समापन की ओर है। जय नमोस्तु। हरिम चनंदे आनंदिम छेम नंद शाह परम कति पद बिंदिम नमियो शेख शाह गुरु मे शेर गोपति गोपति ज्ञान चहका कारणी करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जो तौ जिन वरि अर्थ ति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साची को परमा नमस्कार। ओमकार से सभय डाले पात्र फल प्रथम तारी को वंदी यही सवन को ओमकार विंद संचुका ने चम नायति योगिना काम नमो मुक्षम चेवे ओमकाराय नमो नमः कार सब अक्षर सारा पंच परमेश्वरी दीर्थे अपारा ओ विकार ध्यावे त्रैलोक ब्रह्मा।